नमस्कार दोस्तों, ये डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि 400 शब्दों का रहेगा। 5 मिनट तक बोला जाएगा, 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। स्टार्ट। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में विकास दर के आंकड़े उत्साहजनक नहीं कहे जा सकते, हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगली दो तिमाहियों में इसके सुधरने की उम्मीद है और यह 7% वार्षिक विकास दर के लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकती है। रिजर्व बैंक ने भी यही अनुमान जताया था कि चौथी तिमाही में विकास दर में उत्साहजनक नतीजे आएंगे और फिर अर्थव्यवस्था अपनी पुरानी ले में लौटनी शुरू हो जाएगी। मगर ताज़ा आंकड़ों में जिस तरह है औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन निराशाजनक दर्ज हुआ है, उसके मद्देनज़र सरकार को अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत रेखांकित होती है। विनिर्माण और खनन क्षेत्र में भारी गिरावट दर्ज हुई है, इसकी वजह है महंगाई बताई जा रही है। विनिर्माण क्षेत्र की उत्पादन दर में 4.3% की गिरावट आई है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में इसमें 5.6% की वृद्धि दर्ज हुई थी। खनन क्षेत्र में भी उत्पादन दर 2.8% घटी है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में इसमें 14.5% की वृद्धि दर्ज हुई थी। इसी प्रकार निर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य जनकेंद्रित सेवाओं की GVA वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई है। इस अवधि की विकास दर को पेशेवर सेवाओं और भवन निर्माण के क्षेत्र में हुई वृद्धि ने संभाल लिया। ताज़ा विकास दर को लेकर चिंता इसलिए जताई जा रही है कि अभी तक महंगाई के मोर्चे पर काबू पाने में कोई कारगर उपाय नज़र नहीं आ रहा। बैंकों की ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं और रुपये की कीमत भी संभल नहीं रही। विकसित देशों में मंदी का माहौल है, हालांकि आंकड़े बताते हैं कि जुलाई से सितंबर के दौरान लोगों ने खर्च किया। घरेलू बाजार में मांग बढ़ी और निवेश में भी उत्साह दिखाई दिया, मगर त्योहारी मौसम होने की वजह से भी ऐसा हुआ होगा। फिर यह भी कि इस आधार पर समग्र विकास का चित्र खींचना संभव नहीं हो सकता। विकास दर का असर इससे नापा जाता है कि देश में नए रोजगार का सृजन कितना हो पाया और कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल सके। अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि जब विनिर्माण, निर्माण और खनन क्षेत्र में उत्पादन की रफ्तार सुस्त पड़ी हुई है तो उनमें रोजगार सृजन करना मुश्किल काम है।
इन्हीं क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार की गुंजाइश रहती है। नए रोजगार सृजित नहीं होंगे तो गरीबी रेखा से लोगों का बाहर निकलना और फिर बाजार में पैसे का प्रवाह बढ़ना कठिन ही रहेगा। स्टॉप।